आता है। ऑफ कोर्स आपके जो भी व्यंजन है, क ख ग, एक्चुअली जो क है आपका, अगर मैं बेसिकली बताऊं तो इस क में जो है, क तो है, क के साथ क्या है, अ भी होता है। इस क में अ भी इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि व्यंजन जो है स्वर की सहायता से मिला बना होता है वो, ठीक है। तो ये उसकी डेफिनेशन कहती है, ओके। तो आई होप ये डेफिनेशन आप पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है, व्यंजन जो होते हैं ना, वो एक्चुअली कई प्रकार के हैं, बट यहाँ पर मैंने तीन प्रकार यहाँ शो किया है, और आगे नेक्स्ट पेज पे आपको और इनके इसके प्रकार मिल जाएंगे। पहला है स्पर्श व्यंजन, फिर दूसरा है अंतरस्थ व्यंजन, फिर है ऊष्म व्यंजन। अब इन व्यंजन को जो है हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आपका वो है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में आप देख सकते हैं कि आपको टोटल कितनी संख्याएं मिलेंगी, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की अगर आप डेफिनेशन चाहें, क्योंकि डेफिनेशन तो पेपर में नहीं आएगा, बट आपको मालूम तो होना चाहिए। यहाँ पर है, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ, होंठ, जीवा आदि से हम करते हैं, ओके, मतलब कि उन्हें टच करके हम यूज़ करते हैं, तो वो सारे हमारे किस में आ जाते हैं, स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं। अब स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको याद रखनी है उसकी संख्या, याद रखनी है। डेफिनेशन नहीं याद होगा कोई बात नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आपका क से लेके कहाँ तक आता है, मा तक आता है। तो इसके अंदर जो होते हैं हमारे 25 वर्ण होते हैं, ओके। अब देखिए, एक लाइन में आपको 5 वर्ण दिखाई दे रहे हैं, तो हमने क्या किया है, इनको 5 लाइन आपको दिखाई दे रही है, हर एक लाइन को हमने एक नाम दिया है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, ये फर्स्ट लाइन को हमने क्या कहा है, फर्स्ट लाइन जो है आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क से, तो इसे हमने क वर्ग नाम दिया है। सेकेंड लाइन जो है स्टार्ट हो रही है च से, तो इसे हम क्या हमने क्या कहा, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और अगर आप ईच लाइन में अगर आप देखें तो कितने आपके वर्ण बैठे हुए हैं, तो आप कहेंगे 5, तो आप 5 वर्ग है आपके पास, और हर एक वर्ग में आपके पास 5 क्या है, वर्ण है। तो दोनों को आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा स्पर्श व्यंजन जो है कितने होते हैं, 25 होते हैं, याद रखना है आपको। ये बहुत इजी है, क्योंकि स्टार्टिंग से क से लेके मा तक बस। अब आते हैं हम अंतस्थ व्यंजन पे। तो इस व्यंजन में आप क्या याद रखेंगे, यहाँ पर आपको 4 वर्ण ध्यान में रखने हैं, और अगर आप डेफिनेशन चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका उच्चारण करते समय जीव मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरीके से या पूर्णतः सापेक्ष नहीं, स्पर्श नहीं करता, मतलब टच नहीं करता है, पूरी तरीके से टच नहीं करेगा। आप चाहें तो इसे एक बार बोलकर भी देख सकते हैं, ये सारे जो वर्ण मैंने यहाँ लिखे हैं कौन कौन से हैं, य र ल व श, ओके। तो ये जो वर्ण हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं अच्छी तरीके से, ओके। क्या है, य र ल व, ओके। तो ये आपका किस में आ जाएगा, अंतस्थ व्यंजन में आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टाइप है वो आता है उषम व्यंजन। उषम व्यंजन में क्या होता है, जिसका उच्चारण मुख में रगड़ खाने से उषम निकलती है। जैसे कि इन वर्ड जो यहाँ पर लेटर दिए हैं, जो व्यंजन के जो लेटर हैं यहाँ पर, जैसे श, किस तरीके से एक रगड़ की तरह हमारे मुंह से ये निकल रहा है, श स ह। तो एक आपको ये याद रखना है कि तीन प्रकार के इसमें श हैं और ह हैं, यानी एक तरीके से ये रगड़ से ये निकलती है, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उषम व्यंजन। और कितने होते हैं, कितने हैं यहाँ पर वर्ण, तो आपको याद रखने हैं कितने होते हैं यहाँ पर, 4 होते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो फोर्थ टाइप है हमारा वो है संयुक्त व्यंजन। क्या है फोर्थ हमारा, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन की डेफिनेशन अगर आप देखें तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ होगा, वो है स्वर रहित। स्वर रहित, अब देखिए स्वर रहित क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये क है, तो क के साथ क्या इन्वॉल्व होता है, आ भी होता है। मगर मैं अगर इस तरीके से क हलंग करके, इस तरीके से ये सिंबल दिख रहे हैं हलंग,
का लिखा और फिर इस तरीके से मैंने अगर अलंक लगाया यहाँ पर, तो इस का में आ मौजूद नहीं है, यहाँ पर आ जो है नहीं है, समझ में आया? तो इस तरह के स्वर को हम क्या कहते, इस तरीके की जो वर्ड आएंगे हमारे, वर्ण है जो आएंगे, उसे हम कहते हैं स्वर रहित। समझ में आया आपको कि स्वर रहित यानी ऐसे स्वर, ऐसे जो भी आपके क ख ग वट एवर जो भी होंगे उसमें आपका अ, ये जो स्वर आप पढ़ते हैं, स्वर उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अब देखिए यहाँ डेफिनेशन पहले तो हम पढ़ लेते हैं। जब दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके से एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ये क्या है श, तो श कैसे बना होगा, ये कक्षा वाला श है राइट, तो क क इस तरीके से बनाया है मैंने और उसमें क्या जोड़ दिया मैंने श, ओके। अब देखो ये त्र है तो त्र ऑफ कोर्स त इस तरीके से आया होगा और र, यहाँ पर क्या है ग्या, तो ग्या में हमने क्या लिया होगा ज इस तरीके से, प्लस हमने वहाँ पर क्या ऐड किया होगा इया। तो इस तरीके से वर्ण जब आपको दिखाई दे तो आप उसे किस में, किस प्रकार में रख देंगे, संयुक्त व्यंजन, ओके। आई होप ये फोर्थ टाइप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं फिफ्थ टाइप पर। तो फिफ्थ हमारा जो टाइप है वो है संयुक्ताक्षर व्यंजन। क्या है? संयुक्ताक्षर व्यंजन। अब इस व्यंजन की डेफिनेशन आप पहले तो देख लें कि डेफिनेशन क्या कह रही है यहाँ की। इजी है, अच्छे से एक बार यहाँ पर देखिए, दो अक्षर आपस में मिलते हैं, यहाँ पर दो भिन्न अक्षर आपस में मिलते हैं। अब देखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आया है, स्वर रहित और स्वर सहित, देखिए स्वर रहित क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट होता है, जैसे कि ये क है बट क में हलंक लगा हुआ है ना, तो इसके साथ स्वर नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि व्यंजन वो होते हैं जिसमें स्वर भी ऐड होते हैं, स्वर की मात्राएं जो होती कहीं ना कहीं आती है, तो ये जब अलंक लग गया है यहाँ पर तो ये किस में इन्वॉल्व हो जाएगा, स्वर रहित। और ये स्वर सहित में, जैसे कि आपका क आ गया, म आ गया, क्योंकि आप समझते हैं ना, क के साथ आपका आ भी ज्वाइंट होता है, म के साथ आपका आ भी ज्वाइंट होता है, ओके। तो ये था हमारा स्वर रहित और स्वर सहित, ये दोनों को हमें क्या करने हैं, जोड़ने हैं। तो देखिए अब इसे आप एग्जांपल से समझिए, संयुक्ताक्षर व्यंजन में कैसे आ जाएंगे, किस तरीके के वर्ड्स आ जाएंगे वो देखिए। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर, एग्जांपल क्या दिया है, कुम्हार। देखो कु मा, मा क्या है, आधा मा है, आधा मा का मतलब ये किस में इन्वॉल्व हो जाएगा आपका, स्वर रहित में हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने आ की तो मात्रा मैंने लगाई ही नहीं है, क्योंकि आ की मात्रा लगा दूंगी तो वो स्वर सहित में आ जाएगा। तो कुम ये आधा मा, आधा मा किस में हो गया, स्वर रहित से ले लिया मैंने आधा मा, और इस हा को आ की मात्रा दे के इसको मैंने किसका पार्ट बना दिया, स्वर सहित का पार्ट बना दिया। और जब आप स्वर रहित को स्वर सहित के साथ आप जोड़ देते हो तो आपका क्या बन जाता है, संयुक्ताक्षर व्यंजन बन जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं और घर पे भी आप अलग अलग एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा, तो सेम है ना, माँ, ओके, कंप्लीट माँ तो है नहीं क्योंकि इसमें आ की मात्रा नहीं है, ये ह आ की मात्रा इसमें लग गई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्वर रहित, और ये आपका क्या हो जाएगा, स्वर सहित, दोनों कंबाइंड होके कोई वर्ड्स बना दें या आपको कोई भी वर्ड्स पेपर में पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सी एग्जांपल है, ये संयुक्ताक्षर व्यंजन है, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, द्वितीय व्यंजन जो है हमारा, नेक्स्ट जो है वो है द्वितीय व्यंजन। इस व्यंजन की अगर आप डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है, यहाँ पर एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन में मेल होता है। देखिए यहाँ पर भी हमें रहित और सहित को ही जोड़ना है, मगर सेम सेम कैसे होने चाहिए, सेम सेम समान होना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया है, दिल्ली, क्या लिया है मैंने, दी को तो आप रहने ही दीजिए, दी का कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है,
वो तो सिर्फ लेटर वर्ड आपका एक बन जाए, ये आधा ला है राइट। तो इस ला में मैंने आ तो लिखा नहीं है, तो ये किस में आ जाएगा आपका? तो आप कहेंगे ये आपका आ जाएगा स्वर रहित में। अब देखो यहीं पर मैंने एक कंप्लीट ला ले लिया और उसमें ई की मात्रा लगा दी, ओके, तो ये आपका किस में चला गया? स्वर सहित में। क्योंकि स्वर सहित का मतलब ये होता है जिसमें आपका स्वर भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ओके। बट यहाँ पर द्वितीय व्यंजन में क्या होता है कि सामान होंगे आपका स्वर सहित और स्वर रहित कैसा होगा? सामान होगा। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मिट्टी, धम्म, कुत्ता, देख रहे हैं दो बार ता आया है, एक आधा ता और एक कंप्लीट ता। जैसे यहाँ पर एक आधा ला, एक ला के साथ ई की मात्रा, तो जो आधा वाला ला है वो स्वर रहित है और जो कंप्लीट वाला है वो आपका क्या है, स्वर सहित है। तो स्वर रहित प्लस स्वर सहित मगर सामान, तो वो क्या बनाते हैं? द्वित्व व्यंजन। और अगर स्वर सहित और स्वर रहित दोनों अलग हैं, दोनों भिन्न हैं, तो वो क्या बना देंगे? अभी हमने पढ़ा था उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर व्यंजन, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक और हम देख लेते हैं, अयोग्य वाह। अयोग्य वाह जो होता है, यहाँ पर आपको देखो इसकी डेफिनेशन बस एक बार देखनी है, ये तो आपने पीछे भी पढ़ा है। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, जिनकी गिनती या गणना ना तो स्वर में होती है, ना तो व्यंजन में होती है। ना तो स्वर में होती है जिनकी गिनती, ना तो व्यंजन में होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अयोग्य वाह। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं? एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको ऑप्शन देके, तो आपको बताना है विसर्ग, विसर्ग जिसमें तो दो बिंदी होती है, अनुस्वार यानी जिसमें एक बिंदी वाला, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ऐसी जिनमें जिनका शुमार जो है, जिनकी गिनती ना तो स्वर में होती है ना तो व्यंजन में होती है, तो एग्जाम्पल में याद रखना है आपको विसर्ग और अनुस्वार, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा उचित्व। तो उचित्व ये जो है, इसको अगर मैं कहूँ तो इसे हम, इसका जो प्रनाउंस अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ही झटके के साथ हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं, जैसे कि ढ ड, तो ये सारे वर्ड जो होंगे वो किस में आ जाएंगे, उच्चित्व में आ जाएंगे। इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसे वर्ण है जिसका जिनका उच्चारण हम कैसे करते हैं, झटके में करते हैं, तो वो डेफिनेशन तो आएगी नहीं, आपको सिर्फ एग्जांपल्स याद रखने हैं कि इसमें कितने हमारे लेटर आ जाते हैं, दो लेटर आ जाते हैं, कौन से हैं वो आप देख सकते हैं, ओके। अब जो दूसरा है इसके बाद हमारा, वो है नेक्स्ट जो आएगा हमारा, वो है पार्श्विक। पार्श्विक जो है, इसकी भी मैंने डेफिनेशन नहीं दी है, बट यहाँ पर सिंपल है, आपको एक ही एग्जांपल है आपका, वो क्या है, ला। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि मतलब इसकी डेफिनेशन आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि हवा मुंह के दोनों किनारे, जब आप इसे बोलोगे ला, तो हवा जो है मुंह के दोनों किनारों से निकलती है। तो एग्जांपल आप याद रखें, डेफिनेशन क्या करेंगे याद रखें, सिर्फ याद रखें कि जो आपका पार्श्विक है, इसमें जो एग्जांपल आपका है वो कौन सा एग्जांपल आएगा, आपका ला आएगा। कौन सा एग्जांपल आएगा, ला आएगा। अब लास्ट वन जो है आपका, वो है लुंडनित। तो लुंडनित में आपका क्या आ जाएगा, एग्जांपल में र आएगा। र यानी गोल मोल होना, जैसे हम कहते हैं ना कोई चीज़ कैसे गोल गोल होकर गिरती है, तो र र करके आवाज़ कुछ वैसी समथिंग होती है, ठीक है। आवाज़ से कोई आवाज़ तो वहाँ पूछेगा नहीं डेफिनेशन में आपको, आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखने हैं कि लुंडनित में क्या है, एग्जांपल र है। और जो हमने पार्श्विक पढ़ा, तो पार्श्विक में हमारा क्या आता है, ल आता है। और जो ये जो हमारा एट्थ है, जिसे हम कहते हैं उच्चित्व, तो उसमें हमारा ल ढ याद रखना है आपको, ओके। तो ये थे इसके एग्जांपल्स। तो यहाँ पर जो है, यहाँ तक हमारा व्यंजन जो होता है कंप्लीट होता है, ओके। तो